तो फाइनली मुनर फारूकी और हिना खान के न्यू सॉन्ग का शूट खत्म हो चुका है जो कि कलकत्ता में था और वहाँ के बहुत सारे फोटो बहुत सारे वीडियो भी वायरल है जो कि मैं आप सभी को बताने वाला हूँ और ये सॉन्ग कब तक आने वाला है वो भी बताने वाला हूँ क्योंकि पहली बार मुनर फारूकी हिना खान किसी प्रोजेक्ट के अंदर किसी सॉन्ग के अंदर नजर आने वाले है और ये जोड़ी बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आ रही है, ये जोड़ी बहुत ज़्यादा धमाल करने वाली है ऐसा बोला जा रहा है क्योंकि मुनर फारूकी का पहली बार हिना खान के साथ सॉन्ग है और मुनर फारूकी का पहली बार यानी कि बिग बॉस 70 से आने के बाद कोई उनका न्यू सॉन्ग कोई प्रोजेक्ट आने वाला और शूट जिस तरह से हुआ उससे अंदाजा लग रहा है कि ये रोमांटिक वाला सॉन्ग है वो भी कलकत्ता में किया गया। तो मैं आपको सबसे पहले शूट की जगह के कुछ फोटो बता देता हूं मुनर फारूकी और हिना खान के किस तरह से लुक हमें नजर आने वाले सॉन्ग के अंदर। तो आप सबसे पहले कुछ फोटो देख लीजिए उसके बाद आपसे बताने वाला कि सॉन्ग कब आने वाला, लेकिन उससे पहले चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मैं आप सभी के लिए ऐसे अपडेट लाते रहता हूं। सबसे पहले आप कुछ फोटो देख लीजिए। जैसे कि आपने कुछ फोटो देखी लेंगे शूट की जगह की फोटो है आपको वीडियो के अंदर यानी कि सॉन्ग के अंदर कुछ इस तरह से नजर आने वाली है मुनर फारूकी और आप सुधा दू जोड़ी बहुत ज्यादा धमाल मचाने वाली क्योंकि लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। लेकिन ऐसे में ये सॉन्ग कब तक आ सकता है, तो आप सुधा दू जो रिपोर्ट निकल कर आ रही जब तक कि मैंने इन्फॉर्मेशन निकल कर लाया तो आपको ये सॉन्ग 20 तारीख से पहले देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि आपको ये 18 तारीख को इसका टीजर या सॉन्ग देखने को मिले, तो हो जाइए तैयार मुनर फारूकी जनता फिर एक बार मुनर फारूकी धमाल करने वाले इंटरनेट को हिला के रखने वाले। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए अभी सॉन्ग के लिए कितना एक्साइटेड है और अगर आपको इससे ज्यादा अपडेट चाहिए आपको परफेक्ट टाइमिंग चाहिए परफेक्ट डेट चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर सकते हैं, मेरे पास जैसी कोई अपडेट आएंगी तो सबसे पहले मैं मेरी स्टोरी के अंदर बता दूंगा तो आपको लिंक से मिलेंगी वहां के मुझे जरूर फॉलो कर लीजिए और वहां पर मैं मेरे बारे में भी बताते रहता तो मुझे वहां जाकर जरूर फॉलो कर लीजिए और इस वीडियो को जरूर शेयर करिए।